हेलो गाइस, मैं खुशीरो आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में। शहबाज शहनाज के भाई भी शहनाज को देख के फूट फूट के रोने लग गए और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बोली हैं उन्होंने कुछ बातें। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शहनाज की हालत हर कोई जान सकता है, समझ सकता है। इस वक्त ये एक ऐसी जोड़ी है जिसको हर वक्त हर कोई इंसान पसंद करता था। इस जोड़ी को एक्चुअली में किसी की नजर लग गई है। ये जोड़ी कभी ना टूटे, ऐसे आशीर्वाद इस जोड़ी को मिले थे। पर शहनाज को हमेशा ही कॉन्फिडेंट था कि सिद्धार्थ उनको कभी नहीं छोड़ेंगे और सिद्धार्थ उनको कभी छोड़ते भी नहीं है। पर ये एक जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है कि जो आया है उसको जाना तो जरूर है। सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हो गया और उसके बाद शहनाज जो कि सिदनाज के नाम से जाने जाते हैं दोनों, एक्चुअली में शहनाज पीछे अकेली रह गई और शहनाज बहुत टूटी और टूटने के बाद जो है उनके भाई शहबाज उनके पास पहुंचे और भाई ने भी जब शहनाज की हालत देखी और जब शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए गए तब वो भी फूट फूट के रोने लग गए। इसी दौरान ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और बोला, मेरे शेर, यू आर ऑलवेज विद अस एंड यू विल बी ऑलवेज, विल ट्राई टू बिकम लाइक यू। इट इज अ ड्रीम नाउ एंड दिस ड्रीम विल कम ट्रू सून। आई विल नॉट से आरआईपी बिकॉज यू आर नॉट लव यू। यस, कोई भी आरआईपी नहीं कह रहा है सिद्धार्थ शुक्ला को, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु के ऊपर किसी को यकीन भी नहीं है और लोगों का कहना यह है कि सिद्धार्थ हमारे अंदर जिंदा है और सिद्धार्थ हमें एक्चुअली में काफी ज्यादा मोटिवेट करता था अपने आप में। उनका ऑरा जो था वो काफी ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल था, जिसको देख के हमें ये चीज लगता था कि हम भी उसके जैसे बने। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा चमकता सितारा आज हमारे बीच में नहीं है, पर हमारी यादों में वो हमेशा अमर रहेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।